गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट वैजनाथ स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, जिसका नाम तो आपको सबको पता ही है। और आज हल्की हल्की बारिश में हम जा रहे हैं फिर से फिशिंग के लिए। पिछले डेढ़ दो महीने से बारिश बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हमें कोई फिश नहीं मिल रही थी। तो हमने भी सोचा कि भाई अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी या पानी साफ होगा तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे। तो लगभग डेढ़ महीने के बाद आज जा रहा हूँ फिशिंग के लिए, देखते हैं आज हमें कोई फिश मिलती है या नहीं। कोशिश करेंगे कुछ अच्छी फिश पकड़े। तो मिलता हूँ आपसे सीधे लेके के ऊपर। चलिए दोस्तों, मॉर्निंग दोस्तों, मैं वैजनाथ आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जिसका नाम है राइड्स एंड फिशिंग एडवेंचर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और फ्रेश ब्लॉग फिशिंग का। तो पिछले डेढ़ महीने से मैं फिशिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से मुझे कोई फिश नहीं मिल रही थी। और मैंने पारंपरिक तरीके से फिशिंग भी करने की कोशिश की, जिसमें मुझे थोड़ा लक कम है, फिशेस नहीं मिलती है। तो अब जाके थोड़ा पानी साफ लग रहा है, तो मैं आज कोशिश करने के लिए फिर से आया हूँ उसी लेक पे। तो देखते हैं आज हमें कोई फिश मिलती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। दोस्तों, पानी भी साफ हो गया है और लेक भी एकदम खचाखच फुल भर गया है पानी से। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एडवेंचर। फिश ने कोशिश की बाइट करने के लिए, तो अभी हमें सावधान रहना होगा। ये यहाँ पे फंस गया है दोस्तों। समर में जब लेक का पानी कम हो जाता है, तब जो पानी के अंदर वाली ज़मीन जो बाहर निकली हुई रहती है वो पूरी सूख जाती है। और आफ्टर रेन जब पानी भरने लगता है, तो इस जगह पे नए घास फूस या पानी वाले पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है फिशेस इन चारों के पीछे, मतलब इन फिश इन घास या इन पानी वाले पौधों के पास अट्रैक्ट होके, ज़्यादातर फिशेस अभी जो है वो साइड में किनारे पे ही मिलती है हमें। ऐसी जगहों पे जब हम कास्टिंग करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो स्पिनर है ये फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे फिशिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा चांस हमें लेना पड़ेगा और सूझबूझ के साथ हमें रोल करना पड़ता है, स्पिन करना पड़ता है, जिससे हमारा हुक भी ना फंसे और हमें फिश भी मिल जाए। दोस्तों, स्नेक हेड फिश एक ऐसी फिश है जो इसको स्वीट वाटर वेल कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ये स्तनधारी नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए कुछ हद तक पालती है। जैसे जब ये अंडों से जब इसके बच्चे बाहर निकलते हैं, तो लगभग एक से डेढ़ महीने तक ये अपने बच्चों को अपने साथ रखती है, उन्हें बड़े शिकारियों से दूसरे फिशों से बचाती है। और जब वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं या शिकारी से थोड़ा भागने में सक्षम रहते हैं, तो वो फिशेस को छोड़ के अलग होती है और तब जाके वो फिर से बाइट करना या शुरू करती है, जब हमें फिशिंग लगनी शुरू हो जाती है। तो गंदा पानी होने के बाद में हमें एक डेढ़ महीने तक स्नेक हेड फिश के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय में ये हमें फिश लगना लगभग ना के ही बराबर है। अगर कहीं गलती से लगती भी है तो मैक्सिमम वो मेल फिश ही होती है,
फिश ऑन गाइस, फिश ऑन। यस गाइस, फिश ऑन। इतना सही से बाइट किया है इसने, पूरा का पूरा स्पिनर इसके मुंह में चला गया है, जबकि फिश लगभग ये क्या 1.5 पाउंड के आसपास ही होगी, 1 पाउंड से तो ज़्यादा ही है, लेकिन इसका जो बाइट है ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बाइट है। देखिए लगता है बारिश आने वाली है, अगर बारिश आएगी तो हमें लूरे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के बूंदों से ऊपरी सतह, जब पानी की जब ऊपरी सतह जब हिलना शुरू होती है तो फिशेस स्पिनर पे बाइट नहीं करती, तब हमें आर्टिफिशियल फ्रॉग या फिर दूसरा कोई डक वगैरह यूज़ करेंगे, जिससे कि वो फिर से बाइट करेगी, बढ़ने करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिश ऑन गाइस, फिश ऑन। फिश ऑन गाइस, फिश ऑन। इसे हम लेके थोड़ा पानी से थोड़ा दूर जाएंगे, क्योंकि जब हम इसका स्पिनर निकालने जाएंगे तो ये हाथ से छटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यस गाइस, दिस इज़ ऑल्सो सेम साइज़, ये भी लगभग 1.5 से 2 पाउंड के करीब है, और स्नेक हेड फिश काट रही है अंदर से, हाथ निकालना ज़रूरी है। यस ओके, तो ये भी जाएगी बैग में। यस आज हमें एक नहीं बल्कि 2 स्नेकेड फिश मिली है, दोनों का वज़न लगभग सेम ही है, 1.5 से 2 पाउंड के आसपास की ही है, हालांकि एक थोड़ा छोटी बड़ी है, लेकिन फिर भी क्या होता है जब हम कहीं फिशिंग के लिए जाते हैं और हमें कोई फिश मिलती है तो फिशिंग का मज़ा आ जाता है दोस्तों। वरना मैं लास्ट टाइम मैंने पिछले एक महीने में मैंने 2-3 बार कोशिश की थी ब्लॉग बनाने की, लेकिन हमें कोई फिश नहीं मिली, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे व्यूअर्स मेरा ब्लॉग देखे तो उन्हें फिश ज़रूर दिखे, क्योंकि जब फिशिंग का ब्लॉग हम अपलोड कर रहे हैं और उसमें अगर फिश ना रहेगी तो उसका मज़ा नहीं आएगा। और कोशिश करूँगा कि मैं इससे अच्छी फिशेस पकड़ूँ और आपको उसका उसके बारे में दिखा सकूँ। मैक्सिमम दोस्तों अभी सीज़न शुरू हो रहा है स्नेकेड फिशेस का, तो ये तो शुरुआत है, आगे चल के देखते हैं हमें कितनी फिशेस मिलती हैं, कितनी बड़ी मिलती हैं, क्या छोटी लगती है, बड़ी मिलती है। कोशिश करेंगे थोड़ी अच्छी फिशेस पकड़े, बड़े फिशेस पकड़े, आपको एंजॉय करें, और एक ही टाइम पे 2-3 फिशेस पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ में जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।